हाँ जी, तो कल हमने प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने समझा था कि किसी भी कम्युनिटी को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें रिसोर्सेज को यूज करना होता है। और जब बात रिसोर्सेज की हुई थी, तो हमने रिसोर्सेज मतलब फैक्टर्स, जिसको हमने संसाधन कहेंगे आप हिंदी में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था हमने, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर की डेफिनेशन में हमने समझा था कि जिसको आप शॉर्ट रन के अंदर, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो अपने आउटपुट को बढ़ाने या घटाने के लिए। और वेरिएबल फैक्टर कि आप अपने आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए उसमें आप शॉर्ट रन में भी चेंजेस कर सकते हो। तो फैक्टर को समझने के बाद हमने इस बात को भी समझा था कि अगर आप किसी भी कम्युनिटी का प्रोडक्शन करते हो, तो आपको दोनों ही तरीके के फैक्टर को यूज में लाना पड़ता है, फिक्स फैक्टर को भी और वेरिएबल फैक्टर को भी। और इस तरीके से हमने जो है कल मैंने वीट के प्रोडक्शन की बात की थी, क्योंकि इस चैप्टर में हम सिर्फ उन्हीं गुड्स के प्रोडक्शन की बात करेंगे, सर्विसेज के प्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने फिर वीट के प्रोडक्शन की बात की थी, उसमें हमने समझा था वीट के प्रोडक्शन में कि इनिशियली फिक्स फैक्टर लिया था हमने लैंड, और वेरिएबल फैक्टर लिया था हमने फार्मर एज अ लेबर। और हमने समझा था कि स्टार्टिंग में हमारा फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइजेशन था, इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, प्रयोग में नहीं आ पा रहा था। तो जैसे ही उस पर मैंने वेरिएबल फैक्टर लगाया, लेबर लगाया, तो मेरा आउटपुट हुआ, प्रोडक्शन हुआ। फिर जब मैंने नेक्स्ट लेबर लगाया, तो मैंने देखा कि उतना ही प्रोडक्शन मेरा इंक्रीज नहीं हो रहा जितना फर्स्ट ने करके दिया था, सेकंड मुझे पहले से ज्यादा करके दे रहा है। उसके पीछे रीजन हमने ये समझा था, क्योंकि वर्क डिवीजन हो जाता है इनके आपस में, ये काम को बांट लेते हैं, और एक काम को अगर आप काम को बांट करके करते हैं, वर्क को डिवीजन में आप करते हैं, तो आपके टाइम की वेस्टेज बच जाती है, तो आप उतने ही टाइम में पहले से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस बात को समझे, जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, उस टाइम में आप क्या करेंगे, चीजों को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उससे आपकी टाइमिंग बच जाती है। और दूसरा बेनिफिट ये भी मिलता है आपका वर्क डिवीजन से, कि जब आपको कोई एक ही काम करना पड़ेगा, तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। जैसे एक टाइपिस्ट का काम है टाइप करना, तो उसके देखिए टाइपिंग की स्पीड कितनी अच्छी हो जाएगी। वो जो है, जो नॉर्मल आधा घंटा ले लेगा टाइप करने में, उसको 5 मिनट में टाइप कर देगा। आधे घंटे में तो वो 6 गुना काम करके दे देगा, 6 पेज टाइप कर देगा। और वो आधे घंटे में 1 पेज टाइप करता है, और ये 5 मिनट में 1 पेज टाइप करता है, तो ये तो 6 पेज टाइप कर देगा आधे घंटे में, 6 गुना एफिशिएंट हो जाएगा। कौन? जो टाइपिस्ट का इसका रोचक काम है टाइपिंग का। आपसे टाइपिंग करवाता हूँ 1 पेज, आप आधा घंटा ले लोगे। एक टाइपिस्ट से काम करवाता हूँ, वो 5 मिनट लेगा, तो आप दोनों को आधा आधा घंटा दे दूंगा, तो वो आपको 6 पेज टाइप करके दे देगा, आप 1 पेज टाइप करोगे। इसका क्या मतलब है? कि वो आपसे 6 गुना ज्यादा एफिशिएंट हो गया है। तो आउटपुट सेम टाइम में आपका उतना ही रहा, उससे ज्यादा हो गया। आज आप 1 पेज टाइप कर रहे हैं, आपको रोज बोलता हूं आपको टाइपिंग का ही काम करना है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सेम टाइम में आप पहले से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करके दे पाओगे, प्रोडक्शन करके दे पाओगे। इतना पॉसिबल पाया क्योंकि मैंने आपको एक ही काम में लगा के रखा है। तो स्टार्टिंग में हमारा फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइज होता है, हम जब उस पर वेरिएबल फैक्टर लेकर के आते हैं, और उसके बाद जब हम एक नेक्स्ट और हम लेबर को लेकर के आते हैं, तो नेक्स्ट लेबर फर्स्ट लेबर कंपेटेबली ज्यादा प्रोडक्शन करके देता है बिकॉज ऑफ वर्क डिवीजन, और इससे इनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, टाइम की वेस्टेज बच जाता है, और एफिशिएंसी से काम में रफ्तार आ जाती है, तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ऐसा सिलसिला चलता रहता है आगे तक। इस सिलसिला को हम बोलते हैं फर्स्ट फेज या फर्स्ट स्टेज, जिसमें कि मेरा हर नेक्स्ट लेबर पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करके देगा। इसे हम बोलते हैं रिटर्न मिल रहा है मेरा, इंक्रीजिंग रिटर्न, हर बार रिटर्न मेरा पहले से ज्यादा है। तो यहां पर एमपीपी जो है, जिसको हम मार्जिन प्रोडक्ट कहते हैं, हमारा एमपी जो है इंक्रीज हो रहा था, और टीपी हमारा बढ़ रहा था, बट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था फर्स्ट फेज में। फिर हम सेकंड फेज पे गए थे, देखा था हमने कि एक टाइम ऐसा आएगा कि फिक्स फैक्टर की जो जितनी वो अवेलेबिलिटी है उसकी, वो कम हो जाएगी। अब वेरिएबल फैक्टर के पास में इतना काम करने के लिए स्कोप नहीं रह जाएगा, तो प्रोडक्शन तो आएगा बट पहले से कम आएगा। तो अब रिटर्न मिल रहा है मुझे बट पहले से कम मिल रहा है, तो डिक्रीजिंग रिटर्न, जहां पर एमपी डिक्रीज होता है, बट रिटर्न मिल रहा है तो टीपी तो बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा टोटल प्रोडक्शन, बट वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो सेकंड फेज था, और ये कहां तक था? जब तक आपका मार्जिन प्रोडक्ट जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि भैया अब लेबर के पास में काम करने के लिए कुछ था ही नहीं, वो खाली बैठा हुआ है, क्योंकि आपका फिक्स फैक्टर तो फिक्स ही है, तो उससे कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो जीरो, वहां पर टीपी आपका मैक्सिमम है, उसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी। अगर उसके बाद भी अगर आपने प्रोडक्शन कर दिया, सॉरी उसके बाद भी अगर आपने लेबर को उसमें ऐड कर दिया, तो फिर लेबर मैनेजमेंट इश्यूज आ जाएंगे, या तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, काम का रिपीटेशन हो जाएगा, क्लियर है ना, या फिर वो आपस में लड़ झगड़ जाएंगे, जरूरत से ज्यादा लेबर एक जगह पे हो जाना, जितनी जरूरत से ज्यादा लेबर हो जाना, काम होगा नहीं, काम उल्टा खराब होगा।
तो फिर नेगेटिव आउटपुट आने लग जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न, जहां पर हमारा टीपी फॉल होता है। ये लास्ट क्लास का मैंने जो है कंक्लूड करके बताया, आपको याद हो गया, आ गया होगा कि हमने लास्ट क्लास इसमें क्या पढ़ा था, इसके अंदर याद आ गया सब बच्चे को। अब बात करते हैं हम यहां पर, वही सवाल पूछ रहा है व्हाट आर द रीजन फॉर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि भैया पहले इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न मिलता है, फिर नेगेटिव रिटर्न मिलता है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों होता है ऐसा कि पहले इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, फिर नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, क्यों होता है रीजन? तो रीजन मैं साथ-साथ बता चुका हूं आपको, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। रीजन फॉर द इंक्रीजिंग रिटर्न, फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज में हर बार नेक्स्ट लेबर पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करके क्यों दे रहा है, बिकॉज ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है जो फिक्स फैक्टर का हमारा जो है पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो रहा होता है। हेलो, हाँ जी बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में आपकी जो है एक टैक्स का टॉपिक है, वो आपको मैं करवा दूंगा, और आपकी क्लासेस दो क्लासेस के बाद, आपकी क्लासेस बाद में 5 बजे ही पहुंच जाएगी, 2 से 3 क्लासेस के बाद। हाँ जी देखिए बच्चे, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, तो स्टार्टिंग में क्या होता है फर्स्ट फेज में, भैया फिक्स फैक्टर तो वैसे ही आपका जो अंडर यूटिलाइजेशन था, अब उसको आप यूटिलाइज करने लग जाते हैं। तो इन द फर्स्ट फेज द सप्लाई ऑफ द फिक्स फैक्टर सेज द लैंड इज टू लार्ज, शुरू में तो भैया जमीन बहुत पड़ा हुआ था आपके पास में, वेयर एज द वेरिएबल फैक्टर आर द टू फ्यू, क्योंकि आपका लेबर था ही नहीं वहां पर, सो द फिक्स फैक्टर इज नॉट फुली यूटिलाइज, व्हेन वेरिएबल फैक्टर आर इंक्रीज एंड कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर देन द फिक्स फैक्टर इज द बेटर यूटिलाइज एंड द आउटपुट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, स्टार्टिंग में देख रहे थे ना आप, जब एक मैंने फॉर्मा लगाया था कितनी जमीन पड़ी हुई थी, एग्जाम्पल लिया था ना मैंने लास्ट क्लास में। अब इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर ऐड होंगे तो काम को बांट लेंगे, और जब कोई एक ही काम को बार बार करने लग जाएगा या एक ही कोई पर्टिकुलर काम में इसका फोकस कर दोगे तो उसमें उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर वही बात कहेगा, व्हेन द वेरिएबल फैक्टर आर इंक्रीज एंड कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर देन द फार्मर इज यूटिलाइज इन अ मोर एफिशिएंट मैनर एट द सेम टाइम देयर इज द ग्रेटर कोऑपरेशन एंड अ हाई डिग्री ऑफ द स्पेशलाइजेशन बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। तो जैसे जैसे उसमें आप ऐड करते चले जाओगे तो उनकी जो है एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन काम के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हमारे सेम टाइम में पहले से ज्यादा होगा। क्लियर है? और आपके फिक्स फैक्टर जो है वो इंडिविजुअली
ज्यादा ज्यादा शेयरिंग में आएगा इनके, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास में वेरिएबल फैक्टर कम है और फिक्स फैक्टर ज्यादा है, तो सभी के पास में फिक्स फैक्टर इनफ रहेगा। स्टार्टिंग में एक लेबर के पास में था, दूसरा लेबर आया, उसने अपनी पूरा अपने एफिशिएंसी से काम करा और फिर भी लैंडमार्क की था। वेरिएबल फैक्टर के पास में स्टार्टिंग में इनफ फिक्स फैक्टर अवेलेबल होता है। तो ये वही कह रहा है कि जो इंडिविजुअली जो है फिक्स फैक्टर जो है सबके पास में, सभी लेबर के पास में इनफ रहता है स्टार्टिंग में, बट एंड में क्या हुआ कि एंड में वो फिक्स फैक्टर की कमी आने लग गई थी, बट स्टार्टिंग में इंडिविजुअली सबके पास में इनफ रहेगा। तो फर्स्ट फेसिस का तो आपके पास में ये रीजन दो भी ले देंगे सफिशियंट रहेगा। रीजन फॉर द डिमिनिशिंग रिटर्न, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। क्या होता है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर? एक कंप्यूटर पे कितने लोग बैठे काम करते हैं वो अलग बात है, स्कूल में तीन बिठा देते हैं वो एक अलग एग्जांपल है, बट जनरली काम करने के लिए कंप्यूटर पे कितने चाहिए? एक ही चाहिए। इसको कहते हैं ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। इस क्लासरूम में आपको पढ़ाने के लिए कितने टीचर चाहिए? इसे बोलते हैं ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। दो टीचर आ गए तो ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्रॉस हो जाएगा, क्लियर है? तो इसी तरीके से सेकंड फेसिस पे क्या होता है, जो आपका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन था वो फर्स्ट फेसिस तक था, सेकंड फेसिस पे अब आपके जो है लेबर वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर पे ज्यादा होने लग रहे हैं, फिक्स फैक्टर जो है अब अवेलेबल कम हो पा रहा है। तो जो आपका ऑप्टिमम एक आदर्श संयोग कहते हैं इसको हिंदी में, जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए अब उसे क्रॉस कर रहे हैं आप। फिर उसके बाद वो कुछ ना कुछ हेल्प तो करेगा जो लेबर आ रहा है वेरिएबल फैक्टर, तो आउटपुट तो मिलेगा, बट अब आपके पास में पहले से वो ज्यादा करके नहीं दे पाएगा, पहले से कम देगा क्योंकि उसके पास में फिक्स फैक्टर की कमी आ गई है, वो कहां काम करेगा? क्लियर है? तो वही बात कह रहे हैं, अब आपके पास में इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो स्टार्टिंग में आपके पास में डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर अकर्स बिकॉज ऑफ द फिक्स एंड द वेरिएबल फैक्टर्स आर द इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द वन अदर। और बेसिकली एक बात कह रहा है, फिक्स फैक्टर का काम फिक्स फैक्टर करेगा, वेरिएबल फैक्टर का काम वेरिएबल फैक्टर करेगा। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल फैक्टर आ गया है तो फिक्स फैक्टर की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके जगह पर भी वेरिएबल फैक्टर वो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर क्या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं? जमीन नहीं है कोई बात नहीं, आप किसान तो लगा दो, उसको हवा में खड़ा कर दो वो खेती कर लेगा। जमीन एक अलग चीज है, उसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते लेबर से, कि जमीन नहीं है तो कोई बात नहीं आप लेबर खड़ा कर दो रोड पे खेती हो जाएगी। खेती के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, लैंड को आप लेबर से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, लेबर को आप लैंड से सब्स्टिट्यूट। क्या आप लैंड ले लिया बोला चल कोई और जमीन ले लेते हैं यार, लेबर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी खेती हो जाएगी, ऐसा थोड़ी हो जाएगी। या आपने और लेबर लगा लिया जमीन लगाने की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी खेती से बढ़ती चली जाएगी, लेबर लगाते जाओ, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो, वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो, बट आपका फिक्स फैक्टर तो है नहीं, तो बढ़ाने से आपका फिक्स फैक्टर की जो कमी आ रही है वो दूर थोड़ी हो जाएगी। तो आपका जो रिटर्न है पहले से ज्यादा नहीं मिलेगा, पहले से रिटर्न मिलेगा, प्रोडक्शन होगा यहां पर, बट पहले से कम मिलेगा। तो ये बोल रहा है इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस हो जाना, बट ये एक दूसरे की जगह रिप्लेस नहीं होंगे। अब नेगेटिव रिटर्न, लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। भैया एक फिक्स फैक्टर की अपनी एक लिमिटेशन है, उसको क्रॉस कर दोगे तो भैया आपका रिटर्न जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। वेरिएबल ज्यादा लेबर लगा देंगे तो वो आपस में दूसरे को कोऑर्डिनेट सही से नहीं कर पाएंगे। मैं यही कह रहा ज्यादा लेबर की सीमा क्या है, बट एक फिक्स फैक्टर पे जितना लेबर चाहिए अगर उससे ज्यादा आप लगा के चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपस में दूसरे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे सही ढंग से। काम की कई बार रिपीटेशन भी हो सकती है या काम में डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, तो फिर आपका नेगेटिव रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। तो आपका नेगेटिव रिटर्न के कारण दो भी कारण दे दोगे ना आप, सफिशियंट है, रीजन आ सकता है। लो वेरिएबल प्रोपोर्शन हर बार आता था, दो साल से ठंडा पड़ गया थोड़ा, तो अब रीजन दे रहा है दो साल से। अब इस साल मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि भैया लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डाल देगा या रीजन बिहाइंड द लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दो में से एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, उसमें कोई आप डाउट मत करिएगा।